हेलो गाइस, यही है चक्रधारी सिंह संग्रहालय दरभंगा। अभी मैं दरभंगा में हूँ और जा रहा हूँ कंपनी के काम से। तो सोचे एक छोटा सा ब्लॉग बना दिया दरभंगा में। अभी के समय में, सुबह के समय में कितना जाम रहता है, पीछे भी देख लीजिए जाम। और ये देख लीजिए दरभंगा स्टेशन आ गया है और स्टेशन से हमको जस्ट कट करना है। हमको जाना है लालबाग, लालबाग जाना है। छोटा सा ब्लॉग था, आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, फेसबुक को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए तो ही मेरा चैनल आगे बढ़ पाएगा। अभी 1,000 से 7,000 सब्सक्राइबर हुए हैं, 7 से 10 होगा, तो सपोर्ट को बदलो। यहाँ से देख लीजिए, भटियाड़ी सराय पुअर होम म्यूजियम घूमती दरभंगा टावर, देख लीजिए। हमको इधर जाना, ये सब्जी मंडी कुछ है, ये फल फ्रूट वगैरह मिल रहा है। कॉलगेट ट्रेन देखिए कितना बड़ा ऐड लगा कर रखा है, कॉलगेट। यदि इस चैनल पर आप विज्ञापन प्रचार करवाना चाहते हैं तो हमसे आप ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं और फ़ोन के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अच्छे से अच्छे आपके बिजनेस प्रतिष्ठान को प्रमोशन कर दूँ। तो देख लीजिए दोस्तों, यही है दरभंगा। फूल के दुकान है तो डेली लागे छी की केना छी सब, मतलब पूजा वगैरह में लो जाए के तो लो सकरी घर भ गेलै हमर सबके। ठीक छै, शादी ब्याह मिले जाइए, सब चीज मिले। बहुत अच्छा नजारा है, फूल गाड़ी भी सजाया जाता है। ये लोकेशन कौन सा हो गया, शास्त्री चौक? शास्त्री चौक पे के पास एक फूल का दुकान था। चलिए यहाँ पे देखिए, सस्ता भोजन जो है, सो जो लोग खाने के शौकीन हैं, सस्ता भोजन 20 रुपया हम पूरी सब्जी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। देखिए एक लाइन से टेबल लगा हुआ है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं कहाँ, लालबाग। ऑटो भैया वाला से पूछते हैं, यदि 5 रुपया लेगा तो इसी से चले जाएंगे। लालबाग का क्या गो रुपया लीजिएगा? लालबाग को सफी, हाँ तब छोड़ दीजिए, पैदल ले चले जाएंगे। पैदल इतना शक्ति है। ये देखिए नारियल का, कुछ नारियल वाले नारियल का आप जूस बेच रहे हैं, इधर सत्तू बेच रहे हैं। तो 40 रुपया जो उसको देंगे तो पेट्रोल 40 रुपया जला के 1 किलोमीटर है, नहीं चले जाएंगे। ये शास्त्री चौक हो गया, देखिए शास्त्री जी का मंदिर। आज मैं आपको पूरा दरभंगा दिखाऊंगा जितना मेरे से हो सकेगा पॉसिबल। यो, क्या हाल चाल? तो देख लिया आपने, देखिए बाजार आदित्य हार्डवेयर, यही है दरभंगा। और दूसरा ब्रांड बीजापुर ये बाबा चाय का दुकान खोल के बैठे हुए हैं। इस रोड से थोड़ा आगे जाइएगा ना, HDFC बैंक है, उसके बाद ही है।
आसपास कुछ गुटखा का दुकान। ये मैरिज हॉल है, आज किसी का शादी होगा इसीलिए मैरिज हॉल बनाया गया था। ये साहिल होंडा हो गया, यहाँ से हमको ब्लॉक को कट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से मैं टेम्पो पकड़ के ना आगे तक जाऊँगा। यहाँ से 10 रुपये किया है तो यहाँ से ऑटो पकड़ के मैं आगे तक जाऊँगा। ईस्टमैन का हो गया बैटरी का रिटेलर, संपर्क कर सकते हैं ईस्टमैन बैटरी के लिए उनसे। ठीक है, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। देख लीजिए साहिल होंडा के पास, अभी हमको काम पे भी जाना, टाइम हो गया।